दोस्तों नमस्कार, फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल झारखंड CSC में। मैं मंतोष कुमार हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, डीजीपे का इंटरफेस काफ़ी चेंज हो चुका है जब से 6.0 वर्जन लॉन्च हुआ है। ये वीडियो सिंपली उसी पे है और मैं आज आपको ये बताऊंगा कि डीजीपे 6.0 पे आपको क्या क्या नया चीज़ देखने को मिलेगा। तो चलिए हम सिंपली अपना डीजीपे ओपन कर लेंगे। दोस्तों शुरुआत हम यहाँ से करते हैं, लॉगिन पेज से। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो साइन इन का पेज है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है और काफ़ी अच्छा लग रहा है अब देखने में। और हमें सबसे पहले यहाँ अपना CSC ID डालना होता है। इसके पहले जो वर्जन था उस पर क्या था कि हमें हर बार अपना CSC ID दोबारा डालना होता था, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। अगर आप पहले लॉगिन कर चुके हैं तो ये तब तक सेव रहेगा जब तक आप इसको अनइंस्टॉल ना कर दें। तो चलिए हम सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको एक नई चीज़ यहाँ ये देखने को मिलेगी कि इसके पहले वाले वर्जन पे हमें सबसे पहले अपना थंब देना पड़ता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब हमें पहले OTP देना पड़ता है जो हमारे मोबाइल पे जाता है। बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो बताऊंगा, बिल्कुल स्किप ना करें। दोस्तों OTP डालने के बाद हम वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देंगे और चेकबॉक्स को क्लिक करने के बाद ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो मोर्फो का लाइट है वो जल जाएगा और हमें यहाँ पे सिंपली अपना थंब लगाना है। हम जैसे ही थंब लगाएंगे ये साइन इन हो चुका होगा और ये लॉगिन हो गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल नए अवतार में। चलिए आपको सबसे पहले विड्रॉल का इंटरफेस दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको नई दिखेंगी, जैसे कि आपको यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ चुका है और जहाँ आप अमाउंट डालते हैं वहाँ आपको नीचे 4-5 ऑप्शंस दिखेंगे अमाउंट के, जैसे कि 100, 500, 1000 या 2000 आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं। आप सिंपली ऐसे सेलेक्ट कर देंगे तो वो खुद ब खुद टाइप हो जाएगा। उसके बाद आते हैं मिनी स्टेटमेंट पे। आपको मिनी स्टेटमेंट पे भी अब मोबाइल नंबर लिखना है कस्टमर का, सेम बैलेंस इंक्वायरी के साथ है। दोस्तों वॉलेट टॉपअप अगला जो ऑप्शन है वो काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है और ये चीज़ काफ़ी अच्छी की CSC ने। पहले क्या होता था कि हमारे डीजीपे वॉलेट पे पैसे होते थे और शाम 6 बजे के बाद हम उसे ना तो अपने CSC वॉलेट पे ले पाते थे और ना ही उसे पे आउट कर पाते थे, बट अब ऐसा नहीं है। आप यहाँ अमाउंट डालोगे और सिंपली अपना थंब लगाओगे तो ये पैसे डायरेक्ट आपके CSC वॉलेट पे ऐड हो जाएंगे और उसके लिए आपको किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपका जो वॉलेट टॉपअप है डीजीपे से वो 500 से स्टार्ट होगा, यानी कि जिस तरह से हम कार्ड या नेट बैंकिंग से 5 रुपये भी ऐड कर लेते हैं वो ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। कम से कम आपको 500 ऐड करना है। दोस्तों अब पे आउट पे क्या है कि आप 24 घंटे पे आउट ले सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, चार्जेस वही सेम है। उसके बाद पासबुक। दोस्तों पासबुक पे आपको एक नया चीज़ दिखेगा रिक्वेस्ट कोड का, जो कि पहले नहीं आता था। और साथ ही साथ आपको पासबुक वाले ऑप्शन पे नेक्स्ट पेज का भी ऑप्शन दिखेगा और प्रीवियस पेज का ऑप्शन दिखेगा, जो कि पहले नहीं आता था। और लॉक्स वाले ऑप्शन पे जाके आप बिल्कुल डिटेल्ड समरी देख सकते हैं, कैश विड्रॉल का, मिनी स्टेटमेंट का, बैलेंस इंक्वायरी का, वॉलेट टॉपअप का या फिर वॉलेट पे आउट का, जो कि पहले नहीं था। मतलब कुल मिला के बात यह है कि डीजीपे 6.0 काफ़ी अच्छा अपडेट है। दोस्तों अब बात करूंगा सबसे लास्ट अपडेट की और काफ़ी ज़्यादा राहत देने वाली अपडेट की। तो आपको ये चीज़ याद आ रही होगी पिछले वर्जन पे कि अगर जैसे ही हमारा फिंगरप्रिंट मशीन थोड़ा सा भी हिलता था या हम किसी अदर डिवाइस को लगाते थे USB के थ्रू या फिर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को थोड़ा देर के लिए छोड़ देते थे तो ये एरर हमको दिखता था प्लीज़ वेट करके। और कभी कभी ये एरर 5 से 10 मिनट में ठीक हो जाता था, बट कभी कभी ये, और हमें क्या करना पड़ता था कि जब कोई अदर कस्टमर आता था तो हमें जो अपना लैपटॉप या कंप्यूटर है वो रीस्टार्ट करना पड़ता था, जो कि हमें अब नहीं करना पड़ेगा। और ये काफ़ी अच्छा अपडेट है और मैं मान के चलता हूँ कि आने वाले अपडेट्स इससे भी कहीं ज़्यादा बेहतरीन होंगे। दोस्तों साथ ही साथ कहीं ना कहीं मुझे अब ये लग रहा है कि जितने भी सारे AEPS कंपनी है बेस्ट CSC का डीजीपे होने वाला है, क्योंकि अब इस पे आउट जो है वो 24 घंटे होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। कमीशन तो सबसे ज़्यादा है ही और सबसे बड़ी बात CSC अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांड है, तो अब मज़ा आएगा VLEs को डीजीपे यूज़ करने में। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मन में किसी तरह का डाउट या वीडियो रिलेटेड कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट जरूर करें, आपको रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। फिर मिलूंगा किसी अदर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।